आती है तो दरवाजे पर साधु खड़ा है दो मुट्ठी भिक्षा के लिए। हे भैया भरतरी, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम तो एक न्यायकारी राजा हो। मैनावंती तुम? हाँ भैया। क्या ये महल तुम्हारा ही है? हाँ भैया, ये महल हमारा ही है। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी विपता आके पड़ गई आप पे भैया, जो आपने ये जोग धारण कर लिया? आप न्यायकारी राजा हो, राजपाट महल हवेली सब कुछ छोड़कर ये जोग धारण क्यों किया भैया? मैंने वंता के आदमी जब ही जोग लेता है कि उसके ऊपर कोई विपता पड़ती है। मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, ऐसा कोई भी कारण नहीं था जिसके कारण तुम्हें जोग लेना पड़े। ना तो कोई दुख, ना कोई चिंता, ना कोई बीमारी, सिर्फ और सिर्फ मन ने मान लिया, राजभाट से दिल भर गया और मन ने माना कि अब तो संन्यास ले लेना चाहिए। हे भैया भरतरी, हाँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक बार तो अपने छोटे भाई विक्रमा के बारे में सोचते, एक बार तो अपनी रानी पिंगला के बारे में सोचते। मैंने भाई विक्रम के बारे में भी सोच लिया और पिंगला के बारे में तो इतना सोच लिया कि शायद तुमको भी पता नहीं होगा कि पिंगला के बारे में मैंने कहां तक सोचा था। अच्छा, और वो सोच, वो मेरी सोच से भी आगे निकली। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। तुम पूछना चाहोगी तो सारा भेद तो मैं खोल करके बता दूंगा। सुनिए भैया, सुनाइए अपनी बात। हे रे राज पाट दिया छोड़ भरतरी, क्यों कान पड़ा लिए भाई, देखे दूर पदार्थ अरे दुनिया के, हर मैं शरती लाई, हर मैं शरती आई, राजपाट दिया छोड़ भरतरी, राजपाट दिया छोड़ भरतरी, तू कान पड़ा लिए भाई, के दूर पदार्थ कर दुनिया के, हर मैं शरती लाई, हर मैं शरती लाई। दुश्मन ते तेरी हुई लड़ाई, के दुश्मन ते तेरी हुई लड़ाई, जो पीठ फेर के भाजा, अरे ना कोई दुश्मन, हाँ, ना कोई बैरी, ना कोई लग्या तगाजा, ना कोई लग्या तगाजा, फिर भीख मांगता फिरे जगत में, भीख मांगता फिरे जगत में, एक छत्तर धारी राजा, राज पाटी और घर कोणवे में कोन्या राख्या साजा, कोन्या राजा साजा, तेरे साजा सीर तजन की तेरे, साजा सीर तजन की तेरे, या क्यों कर मन में आई, डके अपी अपना, डके अपी अपना, मन होशियारी मना, करनी बात समाई, करनी बात समाई। Thank you.
जान बूझ के तने भरतरी, जान बूझ के तने भरतरी कर्मों की हानि कर दी। और दुनिया के महंगाई जा इसी अमर कहानी कर दी, अमर कहानी कर दी। विक्रम भाई रोवेगा रे, विक्रम भाई रोवेगा दुखी पिंगला रानी कर दी। और ये दुखी करी ना, दुखी करी ना उस पिंगला की मन बुद्धि श्याणी कर दी, बुद्धि श्याणी कर दी। मैं मर जांगी सुन सुन ताने, मैं मर जांगी सुन सुन ताने ये मारे लोग लुगाई। तू तो ताना पर टिकट ताना पर कह तारे जाइए विश्व तेरी भलाई, विश्व तेरी भलाई। राजपाट के ठाट छोड़ के, राजपाट के ठाट छोड़ के करिया जंगल के मटेरा। और सतगुरु सेवा भजन करते मिट गया घोरी अंधेरा, मिट गया घोरी अंधेरा। कौन भरेगा बात मेरा रे, भरेगा बात मेरा यो पीहर उजड़ लिया मेरा। वो विक्रम भाई, वो विक्रम भाई बात भरेगा माता जाया तेरा, माता जाया तेरा। जे मौके पे ना आया ते, जे मौके पे छोड़ के साधु हो गया, राज छोड़ के साधु हो गया तू कितना दिल का ढेटा। शायद इतना आनंद मुझे राज करते करते नहीं आता, इतना सुख चैन मुझे राज में नहीं मिला जितना सुख और चैन और आनंद अब मिल रहा है। आखिर क्यों लिया ये अपने जोग? और जोग लेने का फायदा बता दूं? क्या फायदा है? कि तुम्हारे भाई ने जोग तो ले लिया, हाँ। लेकिन तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन अगर जोग का फायदा सुनोगी तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। क्या फायदा है जोग लेने? बहुत बड़ा फायदा है इस जोग लेने का, बताइए भैया। बता दूं? हाँ। दोबारा पूछिए। सुनिए भैया। हे रे राज छोड़ के साधु हो गया तू कितना दिल का ढेटा। मरूं नहीं डटके, मरूं नहीं मैं अमर हो लिया सारा भर गया पेटा, सारा भर गया पेटा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अब तुम मरो
मैं सदा सदा के लिए अमर हो लिया। तुम्हें काल नहीं खाएगा। हम मुझे कोई काल नहीं खाएगा भैया। अगर सच कहते हो, सच कह रहा जोग लेने से मृत्यु नहीं आती, जोग तो लेने मेरा से भी एक काम कर दीजिए भैया। क्या सुनिए क्या, मेरे मरे नहीं ते अमर करा दे, मरे नहीं ते अमर करा दे, गोपी चंद मेरा बेटा। एक लाल से अपने हाथा मत बन कुलती मेटा, मत बन कुलती मेटा। जे होती हो ताल काल की, जे होती हो ताल काल की, इसी हो तेरे पास दवाई। श्री लक्ष्मी चंद है, लक्ष्मी चंद सतगुरु जी ते जाती शराब लाई, जाती शराब लाई। राजपाट दिया छोड़ भरत री, राजपाट दिया छोड़ भरत।